तो कल बीसीसीआई ने रिलीज करी है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की T20 सीरीज के लिए स्क्वाड और काफी चेंजेस देखने को मिले हैं हमें टीम में। क्रेजी इसलिए हो गया क्योंकि इंडियन टीम में अब सिलेक्शन हो गया है मयंक यादव का, वही LSG का पेसर जो 150 की स्पीड से बॉलिंग डालता है। उसके साथ साथ KKR के लीड स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का कमबैक हुआ है एंड सरप्राइजिंगली ऋतुराज गायकवाड़ को सिलेक्ट नहीं किया गया। देखो वैसे भी टेस्ट मैच ढंग से हो नहीं पा रहा, बारिश ने बीटी दे रखी है वहां पे, तो हम ICT फैंस को वीकेंड पे ज्यादा बोरियत ना हो इसलिए अपने मोटा भाई ने इतनी बड़ी बड़ी न्यूज अनाउंस कर दी कल। मतलब एक तो ये स्क्वाड अनाउंस हो गई, उसके साथ साथ IPL रिटेंशन के कंफर्म्ड रूल्स निकल के आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस भी हुए हैं। अभी देखो इस वीडियो में मैं सिर्फ स्क्वाड की बात करने वाला हूँ जो बांग्लादेश की T20 सीरीज खेलेगी, बट नेक्स्ट वीडियो जो कल होपफुली आ जानी चाहिए उसमें हम बात करेंगे IPL रिटेंशन रूल्स की। हाँ पता है CSK फैंस, ऋतुराज पे अच्छे से बात कर लेंगे, उसकी भी जस्टिस कर लेंगे, पहले टीम देख लेते हैं। तो अगर टीम पे नजर मारे तो भाई कैप्टन वापस से सूर्य कुमार यादव को बना दिया है, दैट मींस हार्दिक टीम में है बट नॉट एज अ कैप्टन, नीदर एज अ वाइस कैप्टन। सूर्य भाई के साथ साथ बैटिंग में हमारे पास रिंकू सिंह और अभिषेक शर्मा होंगे। फिर ऑलराउंडर्स पे आए तो अपने पास हार्दिक पांड्या है, रियान पराग है, नितिश रेड्डी टीम में आ रहे हैं SRH के वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और शिवम दुबे भी टीम में है एंड वॉशिंगटन सुंदर इज ऑल्सो बैक। कीपर्स में अपने जस्टिस व संजू सैमसन एंड जितेश शर्मा है, एंड स्पिनर्स में हमारे पास है रवि बिश्नोई एंड वरुण चक्रवर्ती। देन बचे तीन पेसर्स, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा एंड मयंक यादव, द बिगेस्ट नेम इन दिस टीम। आई मीन एक्साइटिंग तो है और सरप्राइजिंग भी है क्योंकि किसने सोचा था कि ये मयंक यादव को एक्चुअली में इंटीग्रेट कर लेंगे। अब भाई देखो ये तो ट्रू है, अपनी टीम में हमेशा से एक कमी लगी है बॉलिंग में, वो है एक एकदम जेन्युइन पेसर जो 150 की स्पीड से बॉल डाले। मतलब वो उनकी तरह नहीं जो बोलते रहते कि हमारे बॉलर्स 150 की स्पीड से डालते हैं फिर उनकी बॉल 150 की स्पीड से स्टेडियम के बाहर भी चली जाती है, नहीं बल्कि एक्चुअली एक ऐसा बॉलर जिसकी लाइन और लेंथ भी सही हो, और वो ये है। मतलब मयंक यादव जेन्युइनली ये कर सकता है एंड गौतम गंभीर और हमारे बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉरकल इन दोनों ने इसको LSG में अप क्लोज एंड पर्सनल देखा है एकदम, क्योंकि दोनों LSG के मेंटर कोच थे उस समय भी। तो आई एम श्योर भाई ये टीम में कुक करने वाला है स्पेशली बांग्लादेश के बैट्समैन को। तुम सोचो भाई इसको तैयार कर दिया, उसके बाद बुमराह अर्शदीप के साथ किसी टूर्नामेंट में उतार दिया, भाई 10 पे ऑल आउट है सामने वाली टीम। मयंक भाई बस अब स्कोर कार्ड ऐसा दिखा देना हमें, बस होपफुली फिंगर्स क्रॉस इंजरी से दूर रहे। बाकी यस आई नो कुछ लोग मिसिंग है स्क्वाड से, बट उनको BCCI ने बोला है कि भाई रेस्ट दिया गया क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हेक्टिक टेस्ट शेड्यूल चल रहा है। तो ये वही प्लेयर्स है जो टेस्ट भी खेल रहे हैं और T20s भी खेल रहे हैं, मतलब अपने ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, बुमराह, सिराज, गिल एंड अक्षर पटेल, ये सब प्लेयर्स अभी रेस्टेड है इस सीरीज के लिए। पहले तो स्क्वाड देख के लगा था कि कोहली और रोहित भी शायद रेस्टेड ही है, बट फिर याद आया कि खैर आई थिंक ये अच्छी चीज ही है क्योंकि अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट मिल रहा है और हमें और दूसरे टैलेंटेड प्लेयर्स को ट्राई आउट करने का मौका मिल रहा है। क्योंकि मुझे जेन्युइनली इस मिस्ट्री का आंसर चाहिए था कि वरुण चक्रवर्ती अब इंडियन टीम में वापस सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है 2021 के बाद से। भाई सच में इसकी बॉलिंग ज्यादा बड़ी मिस्ट्री तो यही रही है कि इसको क्यों कंसिडर नहीं किया गया उसके बाद कभी भी। अभी काफी लोग ये बिलीव करते हैं कि ही वॉज स्केपगोटेड इन द होल 2021 वाला वर्ल्ड कप, इसकी बहुत हाइप थी, इसको एज अ मिस्ट्री स्पिनर लेके जा रहे थे, वार्म अप मैचेस भी नहीं खिलाया था हमने इसको क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई ये हमारे लिए पूरी गेम चेंज कर देगा, बट ये ऐसी पिचेस पे खेल रहा था जो इसको सपोर्ट भी नहीं करती। एंड जिस टूर्नामेंट में हमने एज ए यूनिट इतना खराब किया था कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, उसके बाद ऐसा लगा कि इस पे थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए थे और कभी सिलेक्शन फिर हुआ ही नहीं, बट इस साल इसकी टीम ने IPL ट्रॉफी जीती और ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था IPL में, तो कमबैक तो डेफिनेटली बनती थी। एंड आई फील दिस क्रिएट्स अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई एंड वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि तुम्हें पता है अपने पास जेन्युइन स्पिनर्स के लिए सिर्फ एक ही स्पॉट बच रहा है, बाकी अपनी स्पिन डिपार्टमेंट पूरा सूर्या भाई, रिंकू और ये रियान पराग संभाल रहे हैं। मयंक और वरुण के बाद एक और सिलेक्शन जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो है नीतीश कुमार रेड्डी, एक यंग फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भाई हमारी टीम में, ये बहुत कम सुनने को मिलता है इंडियन क्रिकेट में। सिलेक्टर्स की नजर इस पे IPL से थी ही, इसने अच्छा परफॉर्म भी किया था, जिम्बाब्वे वाली सीरीज में इसका सिलेक्शन भी हुआ था बट इंजरी की वजह से पुल आउट करना पड़ा, बट अब टीम में आ गया और अगर इसको हम हार्दिक के साथ भी खिलाते हैं टीम में तो हम एटलीस्ट टीम में चार पेसर्स खिला पाएंगे, नहीं अच्छी स्पीड से डालने वाले पेसर्स की बात कर रहा हूं, 135-140 टच करके। दुबे भी पेसर है लेकिन स्पिनर वाला। एंड हाँ देखो यार एक चीज तो है, ये अपने मयंक, नितिश रेड्डी और वरुण ये तीनों एक तरह से नई सिलेक्शन ही मान के चल लो, तो इनको ना एकदम से जज नहीं करेंगे, इनको क्रिटिसाइज नहीं करना है, इनको ना थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये डेवलप हो, ये नहीं कि पहले मैच में खराब खेले और आगे क्रिटिसाइज करने। मतलब ये मैं तुमसे नहीं खुद से भी बोल ही रहा हूं, कोशिश मैं भी करूंगा, मेरा तो मतलब काम थोड़ा सा ऐसा है तो मुझे करना पड़ता है, बट स्टिल जज नहीं करेंगे जल्दी इनको, इनको टाइम देंगे। अभी देखो पेसर्स में अपने पास हर्षित राणा, मयंक और अर्शदीप है, लेकिन आई थिंक यहाँ पे खलील अहमद हैज मिस्ड आउट फ्रॉम द स्क्वाड। मुझे लग रहा था भाई खलील अहमद इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिसको आगे खिलाया जा सकता है, लेफ्ट आर्मर भी है भाई और काफी अच्छा सीजन रहा था दिल्ली कैपिटल्स के लिए उसका, इनफैक्ट वो वर्ल्ड कप की भी बैकअप स्क्वाड में था बट उसको सिलेक्ट नहीं किया गया है। आवेश खान को ड्रॉप कर दिया गया है और मुकेश कुमार ऑल्सो मिसेज आउट फ्रॉम दिस सीरीज। तो मतलब इतना है कि गौती भाई और ऑप्शंस भी देख रहे हैं
है, सिर्फ उन्हीं पे स्टिक नहीं करना चाहते जो पहले खेल रहे थे। बाकी बैटिंग में देखो सूर्या भाई तो अपने है ही, और कैप्टेंसी रिकॉर्ड भी उनका काफी अच्छा रहा है। 5 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं जब से कैप्टेंसी मिली है, एंड आई थिंक यही अब लॉन्ग टर्म अपना T20 कैप्टन होने वाले हैं। अभिषेक शर्मा ने भी जिम्बाब्वे सीरीज में इंप्रेस किया था, सेंचुरी बनाई थी अपने सेकंड ही मैच में, तो उसका भी सिलेक्शन बनता था। रियान पराग ने पिछली सीरीज में बैट से उतना इंप्रेस नहीं करा था, लेकिन बोलिंग से उसने डेफिनेटली जगह बना ली थी। श्रीलंका के पहले ही मैच में 3 विकेट से सिर्फ 5 रन दिए थे, और उसके बाद बाकी दोनों मैचेस में इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तो इसका भी सिलेक्शन बनता था। एंड ये बंदा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारी टीम में वो रोल अदा करेगा जो हम रायना और युवराज को करता हुआ देखते थे कुछ टाइम पहले। मतलब जब कैप्टन को दिक्कत हुई बॉलर की पार्टनरशिप तोड़नी है तो इसको ले आओ, टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। रिंकू सिंह तो रिंकू सिंह है भाई, उसको कैसे ड्रॉप करोगे। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, दिखता हूँ मैं तो। कीपर्स में देखो अगर पंत नहीं है तो संजू सैमसन ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ईशान किशन को तो ये कंसिडर कर ही नहीं रहे है, और बचे केएल भाई तो उनको तो अभी अपनी आईपीएल टीम ही नहीं रिटेन कर रही, तो समझ जाओ। बट रियली अब टाइम आ गया है डिस्कशन करने का कि ईशान किशन का एक्चुअली में सीन क्या है, ये बंदा कब वापस आएगा टीम में। एक गलती की वजह से जो कि एक्सप्लेन की जा सकती है, जिसके बारे में बात हो सकती है, इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए, वो भी एक ऐसे प्लेयर को जो रिसेंटली काफी अच्छे फॉर्म में था, डबल सेंचुरी लगाई थी ODIs में, T20s भी ठीक ठाक खेल रहा था यार, 50s मार रहा था, पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छी इनिंग्स भी खेली थी उसने एशिया कप में, तो मतलब लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा हार्श हो गए उस पे। एंड सिमिलरली श्रेयस अय्यर पे भी काफी ज्यादा हार्श रख लिया, मतलब गौतम गंभीर उनके एक्स कोच हो के भी अभी तक श्रेयस अय्यर को टीम में सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। वो अलग बात है कि श्रेयस अय्यर की अभी तक रिसेंटली कोई परफॉर्मेंसेस भी इतनी खास नहीं रही है, मतलब ईशान किशन ने अभी अभी एक सेंचुरी भी लगाई थी, पर श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए हैं डोमेस्टिक में भी। मेरे जिगर के टुकड़े को नजर लग गई है। एक प्लेयर ऐसा जिसको मुझे लगता है सिलेक्ट किया जा सकता था, वो था तिलक वर्मा। आई डोंट नो व्हाई उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जब वो पहले भी खेला था और जब वो मुंबई के लिए खेलता है, मुझे तो भाई बहुत पोटेंशियल दिखता है उस बंदे में। एंड गौती भाई का फेवरेट भी है भाई, ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेगा बॉलिंग भी कर लेगा। खैर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस टीम में सिर्फ एक ही ओपनर है, मतलब अभिषेक शर्मा टेक्निकली वो एक लेफ्ट हैंड अपना ओपनर है, उसके अलावा कोई ओपनर नहीं है हमारे पास आउट एंड आउट, तो स्क्वाड सिलेक्शन काफी ज्यादा मजेदार हो सकती है और गौती भाई इसमें अपने एक्सपेरिमेंट फुल ऑन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कायदे से तो संजू सैमसन ओपनिंग कर ले, या फिर वॉशिंगटन सुंदर कर लेगा अगर गौती भाई का मन कर गया तो। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। तो इसकी प्लेइंग 11 अभी नहीं बनाऊंगा, वो बनाऊंगा मैं जब मैच पास आने वाला होगा 6 अक्टूबर से पहले, रील डाल दूंगा उसमें प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेंगे। बट अगर तुम्हें भी मन हो रहा है बहुत ऐसे चुल आ रही है टीम लिखने की, तो तुम कमेंट्स में लिख सकते हो। बाकी देखो संजू भाई को अब मुझे लग रहा है अच्छे से जस्टिस मिल रहा है, उनको अब बस जस्टिस करनी है अपने फैंस के लिए और अपनी क्रिकेट के लिए, क्योंकि श्रीलंका सीरीज में भाई के 2 डक थे, 2 मैच खेला था, 2 डक थे, तो इस सीरीज में अगर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो फिर तो भाई। एंड जितेश शर्मा का भी मुझे समझ में नहीं आता, बिकॉज अभी तक उसने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, ना ही IPL में ना ही इंटरनेशनल में, तो बहुत कंफ्यूजिंग सिलेक्शन लगती है मुझे, बट आई रियली होप कि वो अच्छा करे। पेसर ऑलराउंडर में देखो हार्दिक को मुझे लगता है ये लोग एटलीस्ट 2 मैचेस तो खिलाने ही वाले हैं, उसके अलावा शिवम दुबे और नितेश रेड्डी इन दोनों में इंटरचेंज होना पड़ेगा, क्या पता किसी मैच में भाई तीनों को खिला दे, मजा ही आ जाएगा। गौती भाई 5 पेसर ऑप्शन लेके चल रहे हैं, 5 स्पिनर ऑप्शन लेके चल रहे हैं, मजे ही मजे, और एक कीपर पीछे लगा हुआ है। सपने देखना अच्छी बात है। नाउ फाइनली कमिंग टू द मेन मैन, ऋतुराज गायकवाड़ भाई। सबको जस्टिस मिल जाती है, बट इस बंदे की जस्टिस के बारे में कौन बात करेगा। क्लियरली सबको यही सवाल है कि ऋतुराज गायकवाड़, जो इस समय इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट T20I बैट्समैन है, उसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया स्क्वाड में। भाई 2023 में बंदे ने 365 रन मारे है, 60.8 की एवरेज और 147 का स्ट्राइक रेट, और 24 में 133 रन थे, 66 की एवरेज थी और 158 का स्ट्राइक रेट था। स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया बंदे ने अपना। लास्ट 7 इनिंग्स में 1 सेंचुरी है और 2 50s है, मतलब ऐसे तो स्कोर्स है, थाला को ट्रिब्यूट दे रखे है बंदे ने, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। भाई जिम्बाब्वे वाली सीरीज में ही वाज आवर बेस्ट बैट्समैन यार, बहुत ज्यादा अच्छा खेला था ये। करंटली T20 रैंकिंग्स में टॉप 10 में आ रहा है ये, सूर्य कुमार और यशस्वी जायसवाल के बाद, तो मतलब टेक्निकली इंडिया का 3rd बेस्ट बैट्समैन हो गया T20s में। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट वो इस टीम का पार्ट नहीं है। एंड सुनने में अब चीजें ऐसी आ रही है कि भाई 1st से 5th अक्टूबर तक ईरानी कप होने वाला है, जिसमें ऋतुराज गायकवाड कैप्टन है रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का, एंड दैट इज व्हाई उसको इस सीरीज में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि ये सीरीज 6 से स्टार्ट है। अभी ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, मैं बस मैं तुम्हें रूमर्स बता रहा हूं जो लोग बात कर रहे हैं जिस बारे में। तो काफी फैंस यहां पे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि हो सकता है ऋतुराज गायकवाड़ को ये लोग टेस्ट में एज अ प्लेयर ट्राई करना चाहते हो, इसीलिए उसको यहां पे ईरानी कप खेलने दिया जा रहा है, और उसके बाद रणजी ट्रॉफी भी जो मैचेस है 11 से स्टार्ट होंगे वो भी खेलने दिए जाएंगे। एंड ऐसी बात भी नहीं है, रेस्ट ऑफ इंडिया का कैप्टन होना यहां पे कोई मतलब छोटी चीज नहीं है। रेस्ट ऑफ इंडिया के प्लेयर्स जो होते हैं वो मतलब वो प्लेयर्स होते हैं जो
बीसीसीआई को लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है और वो खेलते हैं लास्ट ईयर के रणजी विनर्स के अगेंस्ट, तो ठीक है वहां पे भी एक पॉइंट है। बट अगर ऐसा भी केस है तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती फैंस को शांत करने के लिए, उनको एटलीस्ट ये भरोसा दिलाने के लिए कि उसको स्कीम ऑफ थिंग्स में रख रहे हैं। यश दयाल और सरफराज की सिलेक्शन पे भी स्टार डाल के वो लिखा आया था टीम में कि भाई ये लोग जा सकते हैं अपने अपने टीम्स के लिए मैचेस खेलने, जब वो दुलीप ट्रॉफी हो रही थी। बट स्टिल डज इट मेक सेंस कि तुम उसको यहाँ चांस ना दो जहाँ पे वो खेल सकता है और वो अच्छा खेलता आ रहा है। एंड इवन तुम देखो वर्कलोड का कि 5 को मैच खत्म हो रहा है ईरानी कप वाला और उसके बाद 6 से फर्स्ट T20 स्टार्ट है, तो वर्कलोड मैनेज करने के लिए ना खिलाए प्लेयर को उसका भी एक आर्ग्यूमेंट है कि भाई सेकंड थर्ड T20 के लिए इंक्लूड कर लेते एटलीस्ट। तो बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही है, मतलब कुछ लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि करना बनता है डेफिनेटली। तो देखो ये अनफेयर तो है, मैं भी मानता हूं, मतलब वो बंदा डिजर्व करता है इस समय। एंड आई रियली फील इवन इफ तुम उसको ईरानी कप खिला रहे हो तो आगे स्क्वाड में उसको इंक्लूड कर देना चाहिए था। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी प्लेयर इंटरनेशनल मैचेस ही प्रेफर करेगा सबसे पहले। सो यार डेफिनेटली थोड़ा बहुत पार्शियलिटी सी लग रही है, थोड़ा अनफेयर, थोड़ा तो नहीं अनफेयर तो बहुत ज्यादा है, जस्टिस फॉर ऋतुराज यहाँ पे होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। एंड देखते हैं अब आगे क्या होता है। खैर मैंने वीडियो जल्दी जल्दी से शूट कर दिया, तुम लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो मार लेना। मैं IPL की वीडियो पे काम करने जा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत सारी क्रेजी चीजें हो गई है। थाला आ रहे हैं बेटा, ये थाला आ रहे हैं। चलो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। दिलवाले तो बहुत देखे लेकिन प्यार में जो पागल हो जाए, ऐसे दिलवाले को आज पहली बार देखा।